हेलो, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स में, जहां हम आप तक बॉलीवुड से जुड़ी सारी खबरें पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्ट्रेस रवीना टंडन फिल्म घुड़चड़ी के जरिए एक बार फिर ऑडियंस को एंटरटेन करती नजर आएंगी। इस फिल्म में उनकी जोड़ी दिग्गज एक्टर संजय दत्त के साथ बनने वाली है। वहीं खुशाली कुमार और पार्थ समथान भी इस फिल्म का हिस्सा हैं और अब निर्माताओं ने घुड़चड़ी का पहला पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। वहीं इस फिल्म का प्रीमियर 9 अगस्त 2024 से जियो सिनेमा पर होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने हाल ही में खुद को एक नई गाड़ी गिफ्ट की है। दरअसल उन्होंने व्हाइट कलर की नई चमचमाती रेंज रोवर खरीदी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गाड़ी की कीमत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं अब अनन्या का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुंबई की सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रही हैं। नौरा फतेही इन दिनों अपने आने वाली फिल्म मटका की शूटिंग में बिजी है। नौरा फतेही ने इस फिल्म के लिए एक दमदार रेट्रो थीम सॉन्ग भी शूट किया है और सोर्सेस के मुताबिक ये गाना 70 के दशक के डिस्को म्यूजिक से इंस्पायर्ड है और नौरा फतेही ने इसमें शानदार डांस किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर ने हाल ही में एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें वो एक देसी लुक में नजर आ रही हैं। वीडियो में मानुषी छिल्लर ने पीच कलर का लहंगा पहना हुआ है, उन्होंने लाइट मेकअप किया हुआ है और मानुषी छिल्लर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनके इस देसी लुक को भी काफी पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और डायरेक्टर दिव्या खोसला कुमार ने हाल ही में तिशा कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए अपने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। दिव्या ने तिशा के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए और साथ ही उन्होंने पोस्ट में दिल को छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा। पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान को लेकर एक खबर वायरल हो रही थी कि उन्हें दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि गायक ने इन अफवाहों को झूठा और बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में कहा, मैं दुबई में अपना गाना रिकॉर्ड करने आया हूं। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इन घटिया अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे, ऐसा कुछ नहीं है जैसा दुश्मन सोच रहे हैं। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म सिंघम अगेन लगातार चर्चा में बनी हुई है। इसी बीच रोहित शेट्टी ने सोशल मीडिया पर बताया है कि उनकी फिल्म सिंघम को 13 साल पूरे हो गए हैं और उन्होंने अजय देवगन के साथ फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग भी पूरी कर ली है। वहीं अजय देवगन स्टारर सिंघम अगेन दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सलमान खान और संजय दत्त ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है और अब खबर आ रही है कि ये दोनों स्टार फिर एक साथ काम करने वाले हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दोनों स्टार एक प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं और इसके लिए सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस में मीटिंग्स भी चल रही हैं। वहीं बताया गया है कि ये एक म्यूजिक प्रोजेक्ट होने वाला है। हाल ही में सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ बेहद ही खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं। वायरल हो रही फोटोज में सारा अली खान शॉर्ट पिंक ड्रेस में नजर आ रही हैं और एक्ट्रेस इस लुक में बिल्कुल बारबी सी लग रही हैं और बेड पर लेटकर पोज दे रही हैं। साथ ही सारा के चेहरे की स्माइल फैंस का दिल चुरा रही है और फैंस उनके इस लुक को काफी पसंद भी कर रहे हैं। आज के लिए मायापुरी अपडेट्स में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए मायापुरी के साथ जुड़े रहें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।